Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है रेडमी का A1 प्लस, इस फोन में फ्रेंड्स आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाते हैं 3 बटन नेविगेशन। अगर आप इनको हटा के लगाना चाहते हैं इस फोन के अंदर जैसे नेविगेशन को, तो इस वीडियो में बताते हैं आपको कैसे इस फोन के अंदर जैसे नेविगेशन को आप लगा सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं जो बैक बटन आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ये राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आपको ये सब कैसे करने को मिल जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना होगा फोन की सेटिंग के अंदर, तो फोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, जिसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको यहां पर नजर आ जाएगा सिस्टम। सिस्टम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद आपको यहां देखने को मिलेगा जेस्चर। जेस्चर पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक करके आप इस फोन में जेस्चर नेविगेशन को यहां क्लिक कर दीजिए तो सेट कर पाएंगे। यहां पे आपको बटन गायब हो जाते हैं और जेस्चर नेविगेशन सेट हो जाते हैं। इनका यूज करने के लिए दोनों साइड से इस तरह से क्लिक कर दें तो आप जेस्चर का कर पाते हैं। इसके साथ अगर आपको बीच वाला बटन यूज करना है तो इस तरह से क्लिक करा के बीच वाले बटन को यूज कर सकते हैं।